बड़ी खबर बेतिया से, जहां रेल पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी की मोबाइल के साथ 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रेल पुलिस ने सप्त क्रांति डाउन एक्सप्रेस से करीब 30 लाख रुपए के चोरी के नए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसके साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य 2 भागने में सफल रहे। जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर के सिंह ने बताया कि गिरफ्तार चारों के नाम मोहम्मद सिराज, पप्पू गोस्वामी, निसारुद्दीन और करण कुमार है, जो पूर्वी चंपारण मोतिहारी के घोड़ा सहन वित्ता टोला के रहने वाले हैं। इनके अलावा बीरपत दास तथा अनिल कुमार पुलिस को देखते ही भाग निकले। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके के किसी मोबाइल की दुकान का शटर काट कर मोबाइल चोरी की थी, जिसके बाद सभी मोबाइलों को कपड़ों में छुपा कर उसके ऊपर कार्टून टेप लगा कर नेपाल अपने किसी साथी को सप्लाई करने जा रहे थे। तभी रेल पुलिस ने इन मोबाइल चोरों को धर दबोचा। रेल पुलिस ने कुमारबाग के समीप ट्रेन में सुरक्षा जांच करने के दौरान मोबाइलों को बरामद किया तथा उसके साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कि हम लोग एलटीएफ के सदस्य थे सभी, आपको और डाउन सप्ताह चेक में चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्ति की सूचना थी। उसी सूचना के आधार पर हमने सर्च किया तो पाया कि मोबाइल 3 मोबाइल में 20-25 लाख का मोबाइल था। 3-4 आदमी उसके साथ थे तो पूछताछ किया गया तो स्पष्ट कुछ बता नहीं पाया, और अच्छा से पूछा गया तो बताया कि कल्याणपुरी थाना से सटल कर के मोबाइल बना रहे थे। ये घोड़ा सर करने वाले हैं, ये लोग संगठित अपराध कर रही है। मोबाइल सीज हुआ है, किस पर हो रहा है, कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? घोड़ा सर कर रहे हैं, घोड़ा सर में मोतिहारी जिला में पड़ता है और सटल काटने का इनका पुराना एमओ है। कहीं भी जाकर देख ही करके सटल काटते हैं और 25-30 लाख का मोबाइल, 40-50 लाख का मोबाइल ला करके ये लोग उस पर नेपाल में बेचते हैं। चूँकि नेपाल इधर ट्रैप होने का संभावना रहता है तो नेपाल में जाकर बेचते हैं। नेपाल में इसका सहयोगी कोई? नेपाल में सहयोगी के बारे में बता रहा है जी वीरेंद्र कुमार, उसके बारे में पूछताछ चली जा रही है। किस गाड़ी से लाया गया? सप्त क्रांति डाउन टू एस। किस बोली में रखा गया? B1 बोली में था। 20 कार्ड बोली में।